हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12th का न्यू चैप्टर इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स यानी कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारा इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, यानी इंटीग्रेशन हमारा जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x, यानी जस्ट अपोजिट। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, है ना? लेकिन अगर हम sin x plus 3 को डिफरेंशिएट करें, तो हमें क्या मिलेगा? sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और plus 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यानी हमें sin x plus 3 का डिफरेंशिएशन भी cos x मिल रहा है। यहाँ पर हम sin x plus 9 ले लें तो भी हमें cos x ही मिल रहा है। यानी हम किसी भी अगर कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। और cos x plus 0 मतलब क्या है? cos x, यानी कि अगर हम sin x plus 3, sin x plus 9, sin x plus 10 किसी को भी डिफरेंशिएट करें तो हमें उन सबका डेरिवेटिव एक ही मिल रहा है। हमें उन सबका डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है? cos x। लेकिन हमें cos x के इंटीग्रल कई सारे मिल जा रहे हैं। जैसे cos x का इंटीग्रल यहाँ पर sin x है, यहाँ पर cos x का इंटीग्रल क्या है? sin x plus 3। यहाँ पर cos x का इंटीग्रल हो गया sin x plus 9। इस तरह से इसके कई सारे इंटीग्रल्स हो सकते हैं, जैसे कि sin x plus 15, sin x plus 100 और पता नहीं cos x के कितने सारे इंटीग्रल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया। हमने जनरल फॉर्म में क्या लिख दिया कि cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin x plus c। c क्या है? c हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी c हमारा कॉन्स्टेंट है। c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 9, 10, 11, 12, कुछ भी। तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना? क्योंकि यहाँ पर cos x के कई सारे इंटीग्रेशन आ रहे थे, cos x के यहाँ पर कई सारे इंटीग्रल्स आ रहे थे, तो इसीलिए हमने क्या किया, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स थे वो सारे कॉन्स्टेंट थे, तो इसलिए हमने लिख दिया sin x plus c। c हमारा है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो sin x plus c है उसका डिफरेंशिएशन होगा cos x और cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x plus c। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पर कुछ फॉर्मूले। ये फॉर्मूले तो अब आपको याद करने पड़ेंगे, पर इन्हें याद करना आसान है। कैसे? देखिए, यहाँ पर ये जो हमारी टर्म गिवन है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव है x की पावर n, है ना? तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल वापस से अपोजिट हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन साथ में आपको प्लस c भी लिखना पड़ेगा, c हमारा क्या है? c हमारा कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो माइनस 1 नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर देखते हैं, हमारे sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, तो cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sin x plus c। यहाँ पर जैसे tan x का हमारा डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x plus c। यहाँ पर dx को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। dx का मतलब सिर्फ इतना है कि हम sec स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, है ना? इससे डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे sec x का डेरिवेटिव है, sec x इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल हो जाएगा sec x plus c। तो यानी कि अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो आप इंटीग्रल आसानी से पता कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1। यहाँ पर हमें कहा गया है फाइंड करिए एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है साइन 2x का इंटीग्रल बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हम फाइंड आउट करेंगे कैसे? सबसे पहले आप ये सोचिए कि साइन 2x हम किसको डिफरेंशिएट करें कि हमें साइन 2x मिल जाए। आपको पता है अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें साइन माइनस साइन x मिल जाता है। तो यानी कि अगर हम cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें साइन 2x मिल जाएगा, है ना? अगर हम cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें sin 2x मिल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2x। आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। यहाँ पर हमने cos 2x को cos x मानकर डिफरेंशिएट किया है, लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ पर cos 2x गिवन है, है ना? तो cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x, और 2x को हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा?
टू एक्स को हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इंटू टू मिल जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए, हमें फाइंड आउट करना है साइन टू एक्स का इंटीग्रल, साइन टू एक्स का इंटीग्रल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कि हम हमारा जो टू है उसको इस साइड ले आएंगे, जो टू है हमारा उसको हम इस साइड ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हम टू को इस साइड ले आएंगे और हमारे dx को उस साइड भेजेंगे और माइनस भी हमारा इस साइड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, माइनस साइन टू एक्स का नहीं, इसीलिए हम माइनस को इस साइड ले आएंगे और टू को इस साइड ले आएंगे। x हमारा इस साइड आ जाएगा, x साइड को हम क्या करेंगे, हम हमारे माइनस को और टू को हम LHS साइड LHS साइड भेज देंगे और जो हमारा dx है हम उसको RHS साइड ले आएंगे। और d जब हम d को हटाएंगे, यानी d जब हम डेरिवेटिव को हटाएंगे तो यहां पर हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा। यहां से जब हम d को हटाएंगे, यानी जब हमारे डेरिवेटिव को हटाएंगे तो यहां पर हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा और dx को हम इस साइड ले गए। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली हमें हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x मिल गया। हमारे साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस वन बाई टू, इसको हम माइनस वन बाई टू कॉस 2x भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि जो आपको गिवन है वो अगर हम किस चीज को डिफ्रेंशिएट करें कि हमें ये टर्म मिल जाए। आपको पता है अगर हम कॉस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें साइन 2x मिल जाएगा, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया। हमने माइनस को और टू को LHS साइड भेज दिया और हमने साइन 2x, तो हमें साइन 2x का इंटीग्रेशन मिल गया, माइनस वन बाई टू कॉस 2x। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें गिवन है कॉस 3x। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, कॉस 3x, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको भी हम पहले वाले मेथड के जैसा ही करेंगे। हम किसको डिफ्रेंशिएट करें कि हमें कॉस 3x मिल जाए। आपको पता है कि अगर हम साइन 3x को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें कॉस 3x मिल जाएगा। अगर हम साइन 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कॉस 3x मिल जाएगा। और जब हम 3x को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इंटू 3 मिल जाएगा, है ना। अब हम वापस से क्या करेंगे, अब हम वापस से हमारे यहां से d को हटाएंगे तो यहां पर हमारा इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। ये हम d डेरिवेटिव को हटाएंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। कॉस 3x को हम एज इट इज लिख देंगे, कॉस 3x को हमें इंटीग्रेट करना है तो कॉस 3x को हम एज इट इज लिख देंगे और dx को हम इस साइड ले आएंगे, dx को हम RHS साइड ले आएंगे। हमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कॉस 3x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dx का मतलब है कि हम कॉस 3x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर जो हमारा 3 था वो हमारा LHS साइड आ जाएगा, हमारा जो 3 बचा हुआ था वो क्या होगा, वो हमारा LHS साइड आ जाएगा। तो ये यहां पर हमको cos 3x का इंटीग्रेशन मिल गया, cos 3x का इंटीग्रल हमें क्या मिला है, cos 3x का इंटीग्रल हमें मिला है 1 बाय 3 sin 3x। sin 3x बाय 3 को हम 1 बाय 3 sin 3x भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है e की पावर 2x। आपको पता है कि जब हम e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें e की पावर x ही मिल जाती है। तो हम जब e की पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर 2x। तो इसीलिए हम यहां पर e की पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमने e की पावर 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें वही मिल गया। अब हम 2x को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम यहाँ पर 2x को वापस से डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, आपको पता है ना, क्योंकि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x। यहाँ पर हमने 2x को x मानकर डिफ्रेंशिएट किया है, 2x को x मानकर डिफ्रेंशिएट किया है, e की पावर 2x को हमने क्या मान लिया x, तो e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया e की पावर 2x। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर तो x गिवन नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर 2x गिवन है, इसीलिए हम 2x को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से हमारा मेथड फॉलो करेंगे, यहां से हम d को हटाएंगे, यानी डेरिवेटिव को हटाएंगे तो यहां पर हमारा इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। हमें किसको इंटीग्रेट करना है, हमें e की पावर 2x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे और हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो dx हमारा इस साइड आ जाएगा और 2 जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा इस साइड आ जाएगा, है ना, e की पावर 2x अपॉन 2। तो यानी हमें e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा,
हमें e की पावर 2x का इंटीग्रल मिल जाएगा e की पावर 2x बाय 2। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 e की पावर 2x। तो नेक्स्ट है हमारा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि जब हम एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, है ना। यानी जब हम एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाता है 3x स्क्वायर। वैसे ही अगर हमें ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर चाहिए तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसको, ए एक्स प्लस बी के क्यूब को। अगर हम ए एक्स प्लस बी के क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें ए एक्स प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे यहां पर हमने एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें 3x स्क्वायर मिल गया। अब हम इसको x मान कर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम ए एक्स प्लस बी को क्या है, x मान कर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। वैसे ही हमने ए एक्स प्लस बी को x मान लिया तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3 और x की जगह पर ए एक्स प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, है ना। अब हमने इसको हमने क्या किया, हमने ए एक्स प्लस बी को एक्स मानकर डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन एक्चुअल में तो ये एक्स है नहीं, तो इसको हमें वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बी हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन। एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन। एक्स को जब हम इस फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट करेंगे एन एक्स एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन तो हमें क्या मिल जाएगा, वन। कैसे, एक्स की पावर में क्या गिवन है, वन, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x की पावर 0, और x की पावर 0 हमें 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमें x का डिफ्रेंसिएशन 1 मिल जाएगा। तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a इंटू 1 हमारा a हो जाएगा। तो ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ax प्लस b का ax प्लस b स्क्वायर का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, d को हटाएंगे यानी डेरिवेटिव को हटाएंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। ए एक्स प्लस बी स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो हम dx को हम RHS साइड ले जाएंगे और जो हमारा ये a है और जो 3 है वो हमारा इस साइड आ जाएगा। ये a और 3 हमारा बचा हुआ है ना, हमने ax प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो हमारा 3 और a बच जाएगा, उसको हम इस साइड ले आएंगे। इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन में 3a। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है 5th, हमें फाइंड आउट करना है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x का इंटीग्रल बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट, इसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में इन दोनों का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है अगर हम cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें sin 2x मिल जाएगा, है ना। अगर हम cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, sin 2x। तो हम सबसे पहले cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस sin 2x और अपॉन और 2x को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 मिल जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, साइन 2x का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे, साइन 2x का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, d को हटाएंगे, हम d डेरिवेटिव को हटाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और ये साइन 2x आ जाएगा। dx को हम RHS साइड ले जाएंगे, माइनस और 2 हमारा इस साइड आ जाएगा, माइनस और 2 हमारा इस साइड आ जाएगा। तो हमें साइन 2x का, हमें साइन 2x का इंटीग्रल क्या मिल गया, माइनस cos 2x प्लस माइनस कॉस 2x अपॉन 2, है ना। अब नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर 3x को, 4 तो हमारा कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। e की पावर 3x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको पता है e की पावर 3x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 3x ही मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो अब हम 3x को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। हम 2x को वापस से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें 2 मिल जाता है, वैसे ही हम 3x को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, है ना। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है e की पावर 3x का इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे, यहां से d यानी डेरिवेटिव को हटाएंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, d डेरिवेटिव को हटाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा e की पावर 3x।
हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो dx को हम RHS साइड ले जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा 3 है उसको हम इस साइड ले आएंगे, क्योंकि हमें e की पावर 3x को इंटीग्रेट करना है ना, तो 3 हमारा इस साइड आ जाएगा। तो यानी कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये। तब हमने दोनों टर्म्स के, दोनों के इंटीग्रल्स फाइंड आउट कर लिए, अब हम दोनों को ऐड करके लिख देंगे बस। चलिए कैसे, इसका हमारा पहले वाले टर्म का इंटीग्रल आया है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस 1/2 कॉस 2x, है ना। उसके बाद हमारा माइनस का साइन, फिर हमारा 4 को हम एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद हमारा e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल है हमारा e की पावर 3x अपॉन में 3, तो यानी इसका हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये पूरा। तो आगे हमें कहा गया है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6-20। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने हैं, यानी डायरेक्टली हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हमें सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, हम इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, यानी अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 4 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख देंगे, कोई भी कांस्टेंट आए इसको बाहर निकाल दो, उसको कोई मतलब नहीं है। आगे हम 3x को इंटीग्रेट करेंगे प्लस 1 को हम अलग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर dx लिखना मत भूलना। dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम e की पावर 3x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए हमें dx लिखना पड़ा, dx लिखना मत भूलना। अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, वैसे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस अप्लाई होगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था कि e की पावर 3x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, e की पावर 3x बाय 3। तो यानी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर 3x अपॉन में 3, और 4 हमारा एज इट इज। अब हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, हमने इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने इंटीग्रेशन के लिए, हमने इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमें x की पावर n को इंटीग्रेट करना होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, है ना, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जब हमें x की पावर n को इंटीग्रेट करना होता है, n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपको पता है हमारा अगर हम x की पावर 0 ले लें तो ये 1 के इक्वल होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो, y की पावर 0 हो, z की पावर 0 हो, तो उसका तो वो हमारा 1 के इक्वल होता है, यानी जो हमारा x की पावर 0 है वो 1 के इक्वल है। तो यानी यहाँ पर हम 1 dx को अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx लिख सकते हैं ना, यानी हम x की पावर 0 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x की पावर क्या है 0, n की जगह पर हमें पावर पुट करनी होती है, तो यहाँ पर हम पावर पुट करेंगे n की जगह पर 0 अपॉन में 0 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1 यानी कि x। तो जब कभी भी आपसे कहा जाए कि 1 dx को इंटीग्रेट करिए, x की पावर 0 को इंटीग्रेट करिए, या फिर y की पावर 0 को इंटीग्रेट करिए, तो x की पावर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, आपको सिंपली इस तरह से भी दिया हो कि dx को इंटीग्रेट करो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, है ना, तो यानी यहाँ पर हमारा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब एक चीज जो नहीं भूलनी है वो ये कि प्लस c लगाना, हमारा c क्या है, c हमारा कांस्टेंट है, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर देखते हैं, यहां पर हमें गिवन है x की पावर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx, और हमसे कहा गया है कि इसे हम इंटीग्रेट करें, तो सबसे पहले इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा x की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा, कैसे, यहाँ पर देखिए हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर
इन टू में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हमें सिंपली मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर टू को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वापस से सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर अगर हम टू पुट कर दें, एक्स की पावर क्या है टू, तो एन की जगह पर हम टू पुट करेंगे, टू प्लस वन थ्री, यानी एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री, एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री, यानी एक्स की पावर टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री, माइनस का साइन। और अभी आपने देखा वन को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमने वन को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला एक्स, तो यहां पर हमें एक्स मिल जाएगा प्लस सी, सी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन अब हम देखेंगे, एट्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटीग्रेट करने को क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, हमें कहा गया है कि इसे इंटीग्रेट करिए। अब हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, यहां पर देखते हैं हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ए तो हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा क्या है कांस्टेंट है, आपको पता ही है, तो ए हमारा एज इट इज रहेगा, है ना। अब उसके बाद हमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स की पावर टू को, एक्स की पावर टू को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला एक्स क्यूब अपॉन थ्री, बी हमारा कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, है ना। अब बचेगा हमारा क्या एक्स, एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्स की पावर क्या है वन, एक्स की पावर वन है तो यहां पर फॉर्मूले में हम वन पुट करेंगे, तो वन प्लस वन टू, यानी एक्स की पावर टू, वन प्लस वन टू, यानी एक्स की पावर टू अपॉन टू, तो इंटीग्रेट करके हमें मिल जाएगा एक्स की पावर टू अपॉन टू। अब यहां पर सी, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ यहां पर सी तो लिखा है, तो सी तो हमारा क्या है, सी हमारा कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन सी के साथ यहां पर वन भी है, सी के साथ यहां पर वन भी है। और अभी हमने देखा कि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो यानी यहां पर हमें मिल जाएगा सी एक्स, ये भी हमारा इंटीग्रेट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें गिवन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, हमें इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। चलिए इंटीग्रेट करेंगे, टू हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, वापस से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स की पावर टू है, टू यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री, तो यानी एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, टू तो हमारा कॉन्स्टेंट है उसको हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, प्लस करके ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सेम, हमें ई की पावर एक्स ही मिल जाएगा। आपको पता है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है प्लस सी, सी हमारा कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन में देखते हैं क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर टेन में गिवन है इंटीग्रेट करना है हमें अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और डीएक्स, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको अब इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर सबसे पहले ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है ए माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये हमारा ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें। चलिए लगाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा एक्स माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा वन बाई एक्स माइनस टू ए बी। फॉर्मूला तो पता ही होगा यार, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, ए हमारा क्या है, ए हमारा अंडर रूट एक्स है, इन टू करके हमारा बी, बी हमारा क्या है वन अपॉन अंडर रूट एक्स है, और ये हमारा डी एक्स। अब अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, हमें यहां पर मिल जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे हम एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर वन है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, एक्स की पावर वन है, एन की जगह पर वन पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स की पावर टू अपॉन में टू, प्लस करके वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, याद रख लो,
अगर फॉर्मूले नहीं भी याद है तो सॉल्व करते करते याद करते चलो। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स, है ना, माइनस टू। अब मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर टू के साथ वन भी लिखा हुआ है, यहाँ के साथ टू के साथ वन भी है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, है ना, प्लस सी। सी हमारा कॉन्स्टेंट है, सी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट।